हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टीफन आर कोवे। रीकैप करें तो हमने अब तक इसमें 4 हैबिट्स देख ली थी, जिसमें पहली 3 जो हैबिट हैं वो प्राइवेट विक्ट्री में हमारी हेल्प करेंगी, और नेक्स्ट 3 हैबिट जो अब हम देख रहे हैं वो पब्लिक विक्ट्री में हमारी हेल्प करेंगी। आज का हमारा एजेंडा रहेगा सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले हम सामने वाले को समझें फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें समझे। तो अपने एजेंडा पे आते हैं। जैसा कि पिक्चर में शो किया हुआ है कि इसमें जो समझने के नेक्स्ट पिक्चर में जैसा किया हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। तो इसमें जैसे पिक्चर में बताया हुआ है कि दूसरे को समझने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि हम उनको केयरफुली लिसन करें। तो ऑथर इसको समझाने के लिए एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की एनालॉजी का यूज करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप सपोज करो कि आपको आई में कोई प्रॉब्लम है और आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हो चेकअप कराने अपना। थोड़ा सा आपको सुनने के बाद आप, मतलब वो पूरी तरह आपको नहीं सुनते, थोड़ा सा सुनने के बाद वो अपने ग्लास उतार के आपको देते हैं और कहते हैं कि ये ग्लास लगाओ, ये बहुत अच्छे हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इन्हें काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, बट आप उन्हें कहते हो कि नहीं ये ग्लास मुझे कैसे सूट कर सकते हैं क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो तो अलग है। तो ऑथर कहते हैं कि क्या चांसेस है कि आप उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के बाद के पास दोबारा जाओगे, क्योंकि इशू ये रहा इसमें कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बिना डायग्नोज किए अच्छे से हमें प्रिस्क्रिप्शन देनी शुरू कर दी, बिना हमें रियली डीपली अंडरस्टैंड किए हमें बताने लग गया कि ये करना चाहिए। तो ऑथर कहते हैं कि जो ये हैबिट 5th है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, इसका मेन मतलब ये है कि पुटिंग वन सेल्फ इन अदर शूज, अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना और फिर समझना कि दूसरा क्या चाहता है। तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन ऑथर कहते हैं कि बिफोर आई कैन वॉक इन अनदर शूज आई मस्ट फर्स्ट रिमूव माई ओन, मेरे को दूसरे की जगह पे अपने आप को रखने से पहले अपने आप के शूज उतारने होंगे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है अपने आप के जो प्री कंसीव नोशन है, पैराडाइम्स है, उन्हें हटाना होगा, तभी मैं दूसरे को अच्छे से समझ पाऊंगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जितने भी हम रिलेशंस में आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन जो आजकल बहुत हम फोकस में रखते हैं अपने, तो ऑथर कहते हैं उसमें कम्युनिकेशन हम करते हैं तो मेनली 4 तरीके से करते हैं। जब भी हम वेकिंग आवर्स में होते हैं यानी जाग रहे होते हैं, तो हम किसी ना किसी वे में कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं, चाहे वो रीडिंग के वे में, राइटिंग के वे में, स्पीकिंग या लिसनिंग के वे में। पर ऑथर कहते हैं कि एक सोचने की बात है कि स्पीकिंग भी हमें बचपन में सिखाया जाता है, रीडिंग और राइटिंग भी हमें सिखाया जाता है, बट सुनना कैसे है, हाउ टू लिसन समवन इज नॉट पार्ट ऑफ अवर करिकुलम। तभी शायद हमारा EQ बहुत, जो हमारा इमोशनल क्वेश्चेंट है, वो बहुत लो रह जाता है। तो इसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू होता है एम्पैथिक लिसनिंग का, तो ऑथर कहते हैं मेनली हम 4 तरह से सुनते हैं, लिसनिंग को ऑथर अच्छे से समझाते हैं। तो मेनली हम 4 तरह से सुनते हैं, पहला है इग्नोरिंग, दूसरा है प्रिटेंडिंग, तीसरा है सेलेक्टिव लिसनिंग और 4th है अटेंटिव लिसनिंग। तो इसको नीचे दिए हुए ग्राफिक से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम इग्नोरिंग करते हैं तो उस समय हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से स्पेसिंग आउट भी बोल सकते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है, हम सामने वाले की बात को अच्छे से नहीं सुन रहे होते हैं। तो एक तरीका ये होता है सुनने का। दूसरा है प्रिटेंड लिसनिंग, यानी हम उसको ये दिखा रहे होते हैं कि हम आपकी बात अच्छे से सुन रहे हैं और बीच में जैसे करके उसको ये जताते हैं कि हाँ हमें सब समझ आ रहा है और हम आपकी ही बात सुन रहे हैं और कहीं हमारा ध्यान नहीं है। फिर तीसरा है सेलेक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव मतलब हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं जो हमारे काम की बात है और बाकी छोड़ देते हैं। और 4th है सेल्फिश लिसनिंग, मतलब कि
हम इसमें क्या करते हैं, यू ऑलवेज ब्रिंग द कन्वर्सेशन बैक टू यू एंड यूर लाइफ. हम हमेशा जो भी बात चल रही होती है उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये बात तो मेरे साथ भी हुई है. इस तरह से ये चार लिसनिंग के मेथड हैं, बट जो सबसे बेस्ट मेथड है उसको ऑथर एक्सप्लेन करते हैं, इम्पैथिक लिसनिंग, जो नीचे बताया है फिफ्थ लेवल है इम्पैथिक लिसनिंग. तो हमने दो वर्ड सुने होंगे, सिंपैथी और एम्पैथी. सिंपैथी मतलब सहानुभूति और एम्पैथी मतलब समान अनुभूति. सिंपैथी तो एक तरह से हम सामने वाले पर्सन के दुख में हमदर्दी जता रहे हैं, बट एम्पैथी एक बहुत ही हाई लेवल का वर्चू है. उसमें हम सामने वाले को जैसा फील हो रहा है वैसा खुद फील करके फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं. तो इसको हम जेन्युइन लिसनिंग भी बोलते हैं. ऑथर कहते हैं कि इसमें तीन की चीज का हम यूज करते हैं, मतलब हम सुनते हैं तो पूरा सिर्फ हमारे कान नहीं सुन रहे होते, हमारा आईज हार्ट ईयर सब कुछ सुन रहा होता है. क्योंकि जैसे पाई चार्ट में शो किया हुआ है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें सिर्फ 7% वर्ड्स का पोर्शन रहता है, 40% टोन का और 53% बॉडी लैंग्वेज का. तो सिर्फ हम ईयर से ही सुन के उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. जो 53% और 40% है इसे हम तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब हम पूरी तरह वहां प्रेजेंट होके अपनी आईज और हार्ट से भी सामने वाले की बात सुनेंगे. तो उसके बाद ऑथर कहते हैं जेन्युइन लिसनिंग का जो दूसरा पार्ट है नीचे की जैसे पिक्चर में शो किया हुआ है कि जैसे हम बोलते हैं कभी भी अच्छे जो रीडर होते हैं वो रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, मतलब सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ते, वो शब्दों के बीच जो गहरे भाव छिपे हुए हैं उन्हें समझते हैं. ऐसे जो अच्छे लिसनर होते हैं वो रीड लिसन बिटवीन द वर्ड्स करते हैं, मतलब जो बात सामने वाला डायरेक्टली नहीं कह रहा बट हमें समझाना चाह रहा है वो बात वो सुनते हैं. उसके बाद जैसे इसने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है स्टैंड इन देयर शूज, सामने वाले की जगह पे अपने आप को रखते हैं. इसमें लिखा हुआ है जैसे अंटिल यू वॉक ए माइल इन अनदर मैन्स मोज़ेन यू कैन नॉट इमेजिन द स्मेल, मतलब सामने वाला कितने दर्द में आप उसे तब तक फील नहीं कर सकते जब तक आप उसकी जगह पे थोड़ी देर अपने आप को रख के उसको इमेजिन नहीं करके देखते. यू मस्ट ट्राई टू सी द वर्ल्ड एज दे सी इट एंड ट्राई टू फील एज दे फील. उसके बाद नेक्स्ट में हमें समझाया है कि कैसे हम जेन्युइन लिसनर बन सकते हैं. तो ऑथर कहते हैं हमें मिररिंग की प्रैक्टिस करनी होगी. इसके लिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है मिमिकिंग एक होता है मिररिंग. तो मिरर क्या करता है अगर हम वैसे भी समझे, मिरर क्या करता है, वो जज नहीं करता किसी भी बात को, वो एडवाइस नहीं देता, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है. तो इसमें हमें क्या करना है, रिपीट बैक इन योर ओन वर्ड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड फीलिंग. तो दूसरे की भावनाओं को अपने शब्दों में रिपीट बैक करना उसको ही मिररिंग बोलते हैं. तो मिमिकिंग क्या होता है, और वैसे मिमिकिंग इज व्हेन यू रिपीट एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन सेड लाइक ए पैरेंट. तो मिररिंग में भावनाएं शामिल नहीं होती, मिमिकिंग में भावनाएं शामिल नहीं होती. जैसे नीचे ग्राफिक में समझाया हुआ है और सेम वर्ड्स को ही कर रहे थे, जबकि मिररिंग में हम उसके अपने वर्ड्स में उसे रिपीट कर रहे थे, इसलिए वार्म और केयरिंग होता है. उसके बाद ऑथर कहते हैं कि एम्पैथिक लिसनिंग का फायदा क्या होता है. एम्पैथिक लिसनिंग जब हम करते हैं तो ये बहुत पावरफुल होता है ऑथर कहते हैं, और ये हमें एक्यूरेट डाटा देता है क्योंकि हम चीजों को सही से समझ रहे होते हैं. और एक बहुत अच्छा टर्म ऑथर यूज करते हैं साइकोलॉजिकल एयर. जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, वैसे ही ऑथर कहते हैं कि हम जो ह्यूमन माइंड है अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के बाद जो चीज उसे चाहिए होती है साइकोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए कि कोई हमें समझे, कोई हमें वैलिडेशन करे, हमारा अप्रिशिएट करे, तो वो चीज है साइकोलॉजिकल एयर. जब हम उससे एम्पैथी से समान अनुभूति से सुनते हैं तो एक तरह से हम उसे साइकोलॉजिकल एयर दे रहे हैं. उसके बाद ऑथर कहते हैं कि ये हमारा जो इमोशनल बैंक बैलेंस है इसे बढ़ाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन समझ रहा होता है कि हम उसकी बात को कितना
भावनाओं से सुन रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। मतलब कि जब तक सामने वाले तक हम अपनी ये भावना नहीं पहुंचाते कि हाँ हम उनकी दिल से केयर करते हैं, तब तक वो जो हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस है वो स्ट्रोंग नहीं हो पाता। पर ऑथर एक डिस्क्लेमर लास्ट में देते हैं कि इम्पैथी से सुनने का एक रिस्क है, जब हम बिल्कुल भावनाओं में लीन होके सामने वाले को सुन रहे होते हैं, तो एक तरह से बी ओपन अवर सेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड, तो ये रिस्क रहता है कि हम कहीं उनकी बात से प्रभावित ना हो, तो एक तरह से हम वल्नरेबल हो जाते हैं। बट ऑथर कहते हैं फिर कि इट इज ए पैराडॉक्स, इन ऑर्डर टू हैव इन्फ्लुएंस यू हैव टू बी इन्फ्लुएंस्ड, यानी अगर हम दूसरे पे अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो पहले हमें प्रभावित भी होना पड़ेगा। यानी पर ऑथर कहते हैं कि जो पहली तीन हैबिट है अगर उनका फाउंडेशन हमारा स्ट्रोंग हो गया, तो फिर हमारे जो वल्नरेबिलिटी वाला पार्ट है कि दूसरे की भावनाओं में खुद को बैठा के सुनना, उससे हम मतलब उसमें भी हम इंटैक्ट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। और जो फिर ऑथर बताते हैं हमें कि जो हैबिट 5 है, ये ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कहीं भी हम देख लें हर जगह ये हमें चाहिए। और सबसे लास्ट में हम सम अप करेंगे इस कोट के साथ जो सबसे लास्ट में शो किया हुआ है, कि द मोर डीपली यू अंडरस्टैंड अदर पीपल द मोर यू विल अप्रिशिएट देम द मोर रेवरेंट यू फील अबाउट देम। यानी जितना डीपली हम सामने वाले को समझेंगे उतना ही हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। और जो सबसे लास्ट लाइन है बहुत टचिंग है कि टू टच द सोल ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग इज टू वॉक ऑन होली ग्राउंड। यानी जब हम इतनी समान अनुभूति से सामने वाले की बात को सुनते हैं तो ये दूसरे की सोल को टच करने के जैसा है और ये एक होली ग्राउंड में वॉक करने जैसा है। तो यही था हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड।